इसको हम निकाल के चेक करते हैं। ये देखें इसकी लेयर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रहा हूँ एक स्वीट डिश, रमज़ान किसके रिलेटेड है और फ्रूट ट्राइफल इसका नाम है। तो फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर है और ये कैसे बनती है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें फ्रूट में लिया है स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, पाइनएप्पल और केक रोल। आप फ्रूट कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपका आपके अपने टेस्ट के मुताबिक। और कस्टर्ड मैं यूज़ करूँगा इसमें वनीला फ्लेवर का, आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम इसको बनाते कैसे हैं। अब एक देशकी में हम दूध डाल लेंगे। दूध को अब हम हल्की आंच पे बॉयल होने के लिए रख देंगे। जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें थोड़े से बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम कस्टर्ड अपना ऐड करके, तकरीबन 2 चम्मच मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कस्टर्ड अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, तो अब हम इसको दूध में डालेंगे और साथ साथ इसको विस्क कर लेंगे, साथ साथ विस्क करते जाएंगे। कस्टर्ड दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको कॉन्टिन्यूसली विस्क करते रहेंगे ताकि कस्टर्ड नीचे चिपके ना, और इसको हम थिक कर लेंगे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट, जितना थिक आप पसंद करते हैं। कस्टर्ड जो है वो थोड़ा थिक हो गया है, अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करेंगे चीनी की जगह। चीनी हम क्योंकि बहुत ही कम यूज़ करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो, वरना कंडेंस्ड मिल्क जो है हम वही यूज़ करेंगे। ये देखें काफ़ी थिक होता है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लेंगे हम, बस। और इसको विस्क हमने कंटिन्यूस करते रहना है ताकि कस्टर्ड नीचे ना लगे, जले में। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टर्ड ठीक हो गया, अच्छे से पक गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद डिश आउट करेंगे और इसकी लेयर्स लगाएंगे फ्रूट ट्राइफल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम जेली बना लेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक सॉस पैन में पानी डालेंगे, तकरीबन 1.5 कप पानी लेंगे। अगर आप एक पैकेट बना रहे हैं तो उसके लिए तकरीबन 1.5 कप पानी हम लेंगे और इसको बॉयल होने देंगे। जब ये बॉयल होगा तो हम इसमें जेली पाउडर ऐड करेंगे। पानी बॉयल हो गया, अब हम इसमें जेली पाउडर डाल देंगे और साथ साथ इसको मिक्स कर लेंगे। आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, मैं रसबेरी यूज़ कर रहा हूँ। इसको साथ साथ चम्मच को हिलाते रहना ताकि ये चिपके ना नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह जेली बन गई है, अब हम इसको एक बर्तन में निकाल के पहले ठंडा कर लेंगे हल्का, और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे और फिर हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। कस्टर्ड ठंडा हो गया, अब हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेयरिंग करेंगे और इसके लिए हम पहले सबसे नीचे यूज़ करेंगे केक रोल। अब इसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा लेंगे। अब हम इसको इवनली फैला लेंगे कस्टर्ड को केक के ऊपर। अब इसके ऊपर हम फ्रूट डाल लेंगे और अब हम इसमें डाल लेंगे जो हमने पहले जेली बनाई थी उसके क्यूब्स। जेली की आप अलहदा से भी लेयर लगा सकते हैं कस्टर्ड के ऊपर, और आप दरमियान में भी इसके अलहदा से लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं इसको फ्रूट के साथ इसको जेली को यूज़ करूँगा। अब इसके ऊपर हम एक लेयर लगा लेंगे कस्टर्ड की फिर से,
अब हम इसके ऊपर पाइनएप्पल रिंग्स रख लेंगे। और साथ स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट ट्रैफल बहुत ही अच्छा बना है, तो काइंडली इसको ट्राई कीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।